हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज नेचर एसले T10 2024 की जो सीरीज चल रही है इसके 12वें और आज के दिन के पहले मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा सहरी सनराइज वर्सेस बरूना ऑटो वॉरियर्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 9:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 28 जून 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें वंडर्स पार्क डोमिनिका में मैच खेले जा रहा है तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 100 से लेकर 110 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 10 मैच इस वेन्यू पर हो चुके हैं जिसमें से 6 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, 2 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, यानी बैटिंग चेजिंग वाली टीम को इस वेन्यू पर एडवांटेज है और 2 मैच इधर नॉ रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। दोनों टीमों के एक टीम के 3 और एक टीम के 4 मैच हो चुके हैं तो हम इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी बताएंगे, साथ ही इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, साथ के टीम भी बनाते हुए चलेंगे ताकि कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आ जावे। पहले बात करते हैं बरूना ऑटो वॉरियर्स की, जिसके इस टूर्नामेंट में 3 मैच हुए हैं, 2 मैच जीती है, हारी एक भी नहीं है, एक मैच नॉ रिजल्ट रहा है। ठीक है, लास्ट मैच जो खेले गए उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट करा है। तो पहला प्लेयर है स्टेपन नित्राम, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 51-10 और 5 रन की पारी खेली। अच्छा प्लेयर है, ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, 50 मैच में 1178 रन है 23 की एवरेज से बनाया, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी करता है। और सिलेक्शन की बात भी करें 68% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता है। अब ड्रीम 11 पे 26 पॉइंट ही दिखा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो इसने 51 रन की पारी खेली थी यह मैच इनका अबॉन्डेड हो गया था, यानी बारिश की वजह से धुल गया था। ठीक है, इसलिए इसके 26 पॉइंट ही दिखा रहे, वरना पहले मैच में इसने 68 तक ये पारी खेली थी। इसके बाद एक ज्ञान बेंजामिन, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 12, 14 और 29 रन की पारी खेली है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी करता है और साथ ही आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देगा। सिलेक्शन की बात करें 73% है। ओवरऑल रिकॉर्ड 35 मैच में 656 रन है 18 की एवरेज से। इसके बाद है सेड्रिक डेस्केरेट्स, जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। इस टूर्नामेंट के 2 मैच खेला है, पहला मैच नहीं खेला था जो धुला था, लेकिन बाकी के 2 मैच खेला जिसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों करी। फर्स्ट डाउन बैटिंग कर रहा है, पहले मैच में 6 रन बनाए 0 विकेट लिए 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। दूसरे मैच में 45 रन बनाए 0 विकेट लिए 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा, साथ ही 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें 83% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 33 मैच में 590 रन है 17 की एवरेज से, 49 ओवर की गेंदबाजी 15 विकेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कैश्मीर बेंजामिन, जिसने 42-35 और 0 रन की पारी खेली, अच्छी बैटिंग कर रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें 72% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 20 मैच में 206 रन है 10 की एवरेज से। इसके बाद है सल्लोन जॉर्ज, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच खेले जिसमें पहले मैच में 0 बनाया, दूसरे में 3 बनाया, तीसरे में इसकी बैटिंग नहीं आई। ठीक है, इसके बाद है गेल्सन टाइसन, जो स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है, दोनों जगह पे एक एक ओवर की गेंदबाजी करवाता है। पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था जिसमें 3 रन बनाया था, लेकिन बाकी दोनों मैचों में इसने 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करी जिसमें पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट लिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है। और सिलेक्शन की बात करें 95% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है ऑडिमार होनरे, जिसने 3 मैच खेले जिसमें 4, 16 और नॉट एप्लीकेबल, यानी बैटिंग नहीं आई। इसके बाद है कैमरूल हैमिल्टन, लास्ट के 2 मैचों में 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करी जिसमें लास्ट मैच में 1 विकेट लेके गया था, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी देता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात भी करें कैमरूल हैमिल्टन का तो 80% इसका सिलेक्शन है क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करवाना आ रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जेमी जेम्स, जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी, दूसरे मैच में 0 पर आउट हो गया, तीसरे मैच में इसने 0 विकेट लिए, 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। बॉलिंग बहुत कम करवाता है और बैटिंग ऑर्डर खूब लेट है इसका। उसके बाद है एडविन बॉटन, जो स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी करवा रहा है, पहले मैच में बॉलिंग का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी कराई 0 विकेट लिए और लास्ट मैच में इसने 2 ओवर की गेंदबाजी कराई 1 विकेट लिया। इसके बाद है पहले मैच में इस टीम की बॉलिंग ही नहीं आई थी, सभी प्लेयरों को बॉलिंग का मौका नहीं मिला था। तो फैबिन बेंजामिन ने लास्ट 2 मैचों में 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1-1 विकेट लिया है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 16 मैच में 23 ओवर की गेंदबाजी 10 विकेट, स्टार्टिंग ओवर्स में गेंदबाजी देता है। बेंच पर से इन दो के अलावा कोई भी खेलता है तो उसके स्टैट्स आप देख सकते हो, 2 ही प्लेयर है एसले वाइट और कैमिने हेनरी। ठीक है, इसके बाद है दूसरी टीम सहरी सनराइज, जिसने इस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले हैं, 2 मैच जीती है, 2 मैच इनकी टीम हारी है। लास्ट मैच जो खेला गया उसी के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है थ्रोइन थायपुले, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच खेले जिसमें इसने पहले मैच में 9 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए। दूसरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया, 4 रन मारे और तीसरे मैच में भी इसने 2 ओवर की गेंदबाजी कराई थी, विकेटलेस गया। ठीक है, और साथ ही इसने 6 रन की पारी खेला, तीनों मैच में ओपनिंग करी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें 78%, साथ ही 1-2 ओवर की आपको गेंदबाजी दे सकता है। उसके बाद है कॉफी जेम्स,
जिसने 22 पहले मैच में 22 रन बनाए और 55 रन बनाए, फिर 0 बना, फिर 16 बना, और तीनों मैचों को मिला के इसने, चारों मैचों को मिला के 7 ओवर की गेंदबाजी करी है, जिसमें इसने 2-1 और 2-3 विकेट लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है। सिलेक्शन की बात करें 97% सिलेक्शन है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। उसके बाद है जूनियर जेवियर, जिसने 4 मैच खेले, पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, दूसरे मैच में 0 पर आउट हुआ, तीसरे में 20 बनाया और लास्ट मैच में 1 रन बनाया, तो वो एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें मात्र 27% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है डेरेन बेंता, जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी, बाकी के 3 मैच में 8-7-31 रन की पारी खेली, और ODD का रिकॉर्ड इसका हमारे पास अवेलेबल है, और ऊपर के प्लेयरों का आप रिकॉर्ड देख ही सकते हो, ओवरऑल रिकॉर्ड सभी का लिख रखा है हमने। उसके बाद है कैस्टिन कैस्मिन, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच खेले हैं, जिसमें पहले मैच में बैटिंग नहीं आई इसकी, दूसरे मैच में 1 रन बनाया और तीसरे मैच में 8 बनाया, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। और इसके बाद है डिलरॉय लिवरपूल, जिसने पहले 3 मैचों में बैटिंग नहीं करी, लेकिन चौथे मैच में इसने 15 रन बनाए, साथ ही 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए विकेट लेस गया। उसके बाद है कैरवन फिलिप, जिसने लास्ट मैच खेला था, इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी कराई, 1 विकेट लिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी। सिलेक्शन की बात करें तो 79% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है जेसन वेडल, जिसने इस टूर्नामेंट के 4 मैच में 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी मैच में गेंदबाजी करवा रहा है, खाली लास्ट मैच में इसने गेंदबाजी नहीं करवाई थी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करवा सकता है। सिलेक्शन की बात करें 88% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है एथन, जिसने 4 मैच में 2 मैच में इसकी बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिला, और 1-1 मैच में इसको 1 ओवर की गेंदबाजी मिली थी, इसमें 1-1 विकेट मिला था। ठीक है, उसके बाद है नेल पेन, जिसने पहले लास्ट के मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराई, विकेटलेस गया, और बाकी के मैच में इसको बॉलिंग का मौका नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद है तेरेस, जिसने 3 ओवर की गेंदबाजी करवाई 4 मैच में, और 1-1 विकेट लिया, बाकी के 2 मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली। ठीक है, और ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था अपन ने सभी को सेलेक्ट कर लिया। कैप्टनसी की बात करते हैं पहले, तो 1 प्लेयर की जगह खाली है, तो फिलहाल के लिए अपन जे जेवियर को ले लेते हैं, क्योंकि यह डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जो टॉस अपडेट के बाद बनेगी। ठीक है, कैप्टनसी की वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी के लिए एक कॉफी जेम्स अच्छा ऑप्शन है, और एच डेस्करस वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, या डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो डिपेंड करती है बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 और टॉस अपडेट के थ्रू। ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।